नमस्कार, मैं नामिका बिहारी न्यूज से। आज है 14 अगस्त और आज हम आपको बिहार की 25 खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। बिहार पुलिस में बम्पर वैकेंसी, दरोगा कांस्टेबल के पदों पर जल्द होगी बहाली। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में डीजीपी ने कहा कि बिहार पुलिस में 24,000 पदों पर सिपाही की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही 2,000 पदों पर ड्राइवर और 2,000 पदों पर दरोगा की बहाली की जाएगी। जल्द ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार में उत्साह के साथ मनाया गया बकरीद का त्यौहार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के साथ ही मस्जिदों और ईदगाहों में मुसलमान समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को त्यौहार की बधाई दी और मुबारकबाद दी। राज्य की सभी मस्जिदों में नमाज के दौरान विशेष प्रार्थना की। राज्यपाल ने बकरीद पर लोगों को दिया मुबारकबाद। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बकरीद के मौके पर बिहार की जनता को मुबारकबाद दिया है। चौहान ने कहा कि अनुपम त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला बकरीद का पर्व हमारे जीवन में सहिष्णुता, सद्भावना, प्रेम और बंधुत्व की भावना को संचारित करता है। उप मुख्यमंत्री बोले, जन्नत में बदलता कश्मीर कांग्रेस को नहीं सुहा रहा। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि पता नहीं जन्नत में बदलती कश्मीर घाटी कांग्रेस को बुरी क्यों लग रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की जंजीरों से आजाद कर केंद्र शासित बनाना जरूरी था। 10 जिलों की प्रमुख सड़कों पर खर्च किए जाएंगे 2.25 अरब रुपए। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने इस योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि पटना के साथ साथ सीतामढ़ी, गया, समस्तीपुर, नवादा, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, अररिया और बेगूसराय जिलों की प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई। 60 साल बाद गुरु से मिलकर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने गुरु कन्हैया लाल से 4वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी। रामविलास ने बताया कि गुरु कन्हैया प्रसाद ने ही 1954 में उनकी खल्ली छुआई की रस्म को पूरा किया। रविशंकर बोले, धारा 370 का हटना बदलते भारत का संकेत। रविशंकर प्रसाद ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाया जाना ये दर्शाता है कि अब भारत बदल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत नई दिशा में बढ़ चुका है और आने वाले समय में यह दुनिया की महाशक्ति बनेगा। दक्षिण बिहार के जिलों के लिए गंगा बनेगी जीवनदायिनी। जल संसाधन विभाग की रणनीति के अनुसार इस योजना के लिए बख्तियारपुर से नालंदा तक नहर बनाकर गंगा का पानी भेजा जाएगा। बख्तियारपुर में गंगा का पानी लिफ्ट कर नहर में डाला जाएगा। दूसरा विकल्प गंगा के पानी को नालंदा के मुहाने नदी में गिराए जाने का। कश्मीर में 15 अगस्त को तिरंगा लहराने के लिए ट्रेन से विदा हुआ बिहारी छात्र। पटना यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने लोगों से कश्मीर में तिरंगा फहराने की अपील की है। साथ ही लोगों से अपने घरों के ऊपर भी तिरंगा लगाने की अपील की है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कश्मीर के लाल चौक पर 1,000 तिरंगा फहराने की ठानी है। भागलपुर के डीएसपी और इंस्पेक्टर लापरवाह। जिले के डीएसपी और इंस्पेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरत रहे हैं। इसका पता एसपी की ओर से पुलिस मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट से चला है। अपने अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले थानों का ये अधिकारी निरीक्षण तक नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में लगभग सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर फेल दिख रहे हैं। शुरू होगी सुपरस्टार खेसारी लाल की फिल्म राजा की आएगी बारात की शूटिंग। फिल्म के निर्देशक लाल बाबू पंडित ने बताया कि फिल्म राजा की आएगी बारात में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव लीड रोल में नजर आएंगे। हमने फिल्म की शूटिंग अक्टूबर महीने में रखी है। तेजस्वी यादव के पार्टी में रहने या न रहने से पार्टी पर कोई असर नहीं। राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए जाने को लेकर तेजस्वी यादव पर उठ रहे सवालों के जवाब में भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के रहने या न रहने से पार्टी पर कोई असर नहीं है। पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता पार्टी के काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 17 नवम्बर से। राष्ट्रीय आय संघ मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा एवं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन 17 नवंबर को होगा। परीक्षा के लिए 27 अगस्त से 30 सितंबर तक छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त के लिए जारी की एडवाइजरी। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फ्रेजर रोड का पश्चिमी फ्लैंक डाकबंगला से गांधी मैदान तक सुबह 7 बजे से समारोह की समाप्ति तक आम यातायात के लिए बंद रहेगा। साथ ही न्यू डाकबंगला रोड में एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बिहार में होगी लाखों शिक्षकों की बहाली। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। इस साल के अंत तक परीक्षा हो सकती है।
इसके लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है। परीक्षा के लिए आवेदन से लेकर मॉनिटरिंग की व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। कौन होगा बिहार बीजेपी पार्टी का अगला कप्तान? वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद से ही अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तेज है। जो अपने आप को इस लाइन में समझ रहे वे कई बार दिल्ली दरबार का चक्कर लगा आए हैं, साथ ही अपने नेताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। राबड़ी आवास पर हुई राजद की बैठक। राबड़ी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में सदस्यता अभियान शुरू की गई है। सबको भरोसा था कि तेजस्वी यादव जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन यहां भी तेजस्वी ने पार्टी और परिवार दोनों से मुंह फेर लिया। इस अवसर पर खास तौर से तेजस्वी को बुलाया गया था। शॉर्ट सर्किट से मिठाई दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति को नुकसान। पटना जिले के एक मिठाई दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। दुकानदार ने यह भी कहा कि दुकान ने रक्षाबंधन के लिए मिठाई बनाकर रखा था। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन, राज्यपाल फागू चौहान से की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, उन्होंने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात किया तथा दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हालांकि दोनों के बीच बातचीत का एजेंडा क्या है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। एक हफ्ते से अफ्रीका में फंसा परिवार, परिजन लगा रहे हैं दर दर की गुहार। बेतिया जिले का एक परिवार कमाने के लिए अफ्रीका गया था, लेकिन यह परिवार वहाँ पिछले एक सप्ताह से फंस गया है। इस मामले को लेकर वे कई जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मिल चुके हैं, लेकिन इस परिवार को आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तेजस्वी की होगी राजनीति में वापसी। खबर के मुताबिक 16 अगस्त को राजद की होने वाली बैठक में तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ शामिल होंगे। धोनी का कश्मीर में क्रिकेट को लेकर योजना। एमएस धोनी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग में व्यस्त हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार धोनी कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते हैं, जहां वो कश्मीर के युवा खिलाड़ियों को मुफ्त ट्रेनिंग देंगे। मेन रोड पर गाय को दे रहा था ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, 100 लीटर दूध सड़क पर बहाया गया। खुलासा उस समय हुआ जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रुकनपुरा मनोकामना मंदिर से सटे इलाके में छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि मौके पर 15 गाय थी, जिससे 100 लीटर दूध इंजेक्शन लगाकर निकाला गया था। इसको देखते हुए सभी दूध को एक किनारे बहा दिया गया। अजय कुमार ने कहा कि इस तरह का कारोबार तेजी से किया जा रहा है, इसको देखते हुए चेतावनी जारी की गई। चिदंबरम के बयान पर गरमाई सियासत। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोमवार को पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी चिदम्बरम पर निशाना साधा। बात करें मौसम की, तो पटना में आमतौर पर बारिश, गरज या धूल की बौछार के साथ आसमान में बादल छा सकते हैं। नालंदा में बारिश और गरज के साथ दोपहर या शाम को बारिश होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।